हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक इटालियन डिश बनाने वाली हूँ जो आप में से काफ़ी लोग पसंद करते हैं। वीकेंड हो या कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन, ये डिश को हम हमेशा मेनू में रखकर प्लान करते हैं। हमने जब भी पिज्ज़ा खाने का मन करता है हम इसे ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह आसानी से इसे घर में बनाकर पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। पिज्ज़ा की डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में आधा कप गुनगुना पानी डाल दें। पानी को ज़्यादा गर्म यूज़ ना करें। उसमें एक छोटी चम्मच चीनी डाल दें, अच्छे से मिला लें। उसके बाद दो छोटी चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल दें। ईस्ट जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा कोई भी ग्रॉसरी शॉप में। अच्छे से मिला लें और ढक के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ईस्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। अब मैं पिज़्ज़ा की डो बनाऊंगी। उसके लिए एक बोल में दो कप मैदा ले लूंगी। उसमें एक चौथाई छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच गार्लिक पाउडर, एक छोटी चम्मच पिज़्ज़ा हट्स और आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें। अच्छे से सब चीज़ को मिला लेंगे। अब चार छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दूंगी। आप लोग ऑलिव ऑयल की जगह बटर और रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं ईस्ट को चेक करूंगी तो हमारा जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो गया है। अब मैं इसको डायरेक्ट मैदा में डाल दूंगी और इसको अच्छे से गूंद लूंगी। थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल के गूंद लूंगी। मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी का यूज़ किया है, आप लोग ठंडा पानी का यूज़ मत करना। 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से मिला लेंगे। डो को एकदम सॉफ्ट रखना है और इसको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है। अब इसमें हम थोड़ी सी बटर डाल देंगे और अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच बटर का यूज़ किया है। आप लोग अगर विंटर के टाइम में बना रहे हैं तो इसको ढक के किसी गर्म जगह में रख देना। और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल डाल के ढककर छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए कम से कम 2 या 2.5 घंटे तक। अब मैं पिज्ज़ा की ट्रे को बटर लगा के रेडी कर लूँगी। आप लोग बटर की जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ डो की तरफ। तो डो जो है वो अच्छे से फर्मेंट होके फूल गया है। अब मैं इसको और 2 मिनट के लिए गूंद लूंगी। तो ये बिल्कुल बेलने के लिए रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ी सी मैदा डाल के बेल लूंगी और आप लोग हाथों से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। बेलने के टाइम ध्यान रखना है कि सभी जगह इक्वल बेलना हो, कोई भी जगह मोटा या पतला ना रहे, नहीं तो पिज्ज़ा का जो बेस है कहीं जगह बेक होगा और कहीं जगह कच्चा रहेगा। तो पिज़्ज़ा का जो बेस है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको पिज़्ज़ा ट्रे में डाल दूंगी। अब मैं एक फॉक से इसको प्रिक कर दूंगी ताकि ये ओवन में फूल ना जाए।
अब मैं 3 छोटी चम्मच पिज्जा सॉस डाल के इसको अच्छे से फैला दे रही हूँ बेस के ऊपर। आप लोग किसी ब्रांड का भी पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर मोजरेला चीज डाल दूंगी। अब मैं टॉपिंग्स डालूंगी। मैंने यहाँ पे अनियन, ब्लैक ऑलिव, ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर का यूज किया है। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से टॉपिंग्स डाल सकते हैं। अब मैं इसके साइड में थोड़ी सी बटर ब्रश कर दे रही हूँ ताकि इसका जो किनारा है वो हार्ड ना हो जाए। ऊपर से थोड़ी सी पिज्जा हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ। आप लोग बाद में भी डाल सकते हैं। तो हमारा पिज्जा जो है वो बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ओवन में डाल दूंगी। ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रखी थी, तो अब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो हमारा घर में बना हुआ पिज्जा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं पिज्जा कटर से इसको कट कर ले रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पिज्जा जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हुआ है और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब रेस्टोरेंट क्यों जाना है, आप लोग घर में बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं और एक स्लाइस निकल के दिखाती हूँ और आप लोग देख सकते हैं पिज्जा जो है वो अंदर से भी अच्छे से बेक हुआ है। तो रेस्टोरेंट जैसे पिज्जा आप लोग घर में बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। और आज की ये रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो में। टिल देन, ईट गुड, फील गुड, बाय।